हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल JDS लॉ गुरु जी में। दोस्तों मैं आज तिहाड़ विजिट पे आया हुआ था, तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 8 में अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए, चूँकि उसको जो है 376 ए बी एंड पॉक्सो सेक्शन 6 में अरेस्ट किया हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, आप लोग भी आके मिल सकते हैं, अगर आपके कोई भी बंदा यहाँ पे अगर तिहाड़ में अगर अरेस्ट हो रखा है तो आप यहाँ पे आकर उससे मिल सकते हैं। और क्योंकि कोरोना की वजह से जो मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी गई थी कि आप उनसे नहीं मिल पाओगे, पर अब जब कोरोना थोड़ा शांत हुआ है तो अब जो उनके गार्जियन वगैरह हैं उनको मिलने भी दिया जा रहा है। और इवन हम जो एडवोकेट्स हैं, पहले लीगल मीटिंग कर रहे थे जब क्लाइंट बाहर बैठता था और अपन फ़ोन पर बात करते थे, पर ऐसा नहीं है, अब क्लाइंट से भी जो मीटिंग है वो फिजिकली स्टार्ट कर दी गई है। तो गाइज़ आप सभी से निवेदन है, यदि आपका कोई भी घर परिवार का जो बंदा है वो अरेस्ट हो रखा है तो आप आके तुरंत मिलिए और उससे हालचाल पूछिए। ये कैसे होगा, यानी आपको डायरेक्ट यहाँ आके बुकिंग नहीं कर सकते हैं, आपको क्या होगा अपने आधार कार्ड को लेके तिहाड़ जेल की जो वेबसाइट है उस पर जाके, या कोई भी जेलो मंडावली है कोई भी उसकी जेल की वेबसाइट पर जाके आपको अपना स्लॉट, अपना दिन बुक करना है, उनको मेल करना है, वो आपको दोबारा मेल में आपका दिन, समय, तारीख जो भी होगा वो बता देंगे, इतने बजे आना है, इतने तारीख को आना है और इतने से इतने देर तक आप मिल सकते हैं, ऐसे करके आपको बुकिंग करनी है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए आप एक बार तिहाड़ जेल की जो वेबसाइट है उस पर चले जाइए, विजिट करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड गाइज और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई परिजन अगर जेल में है तो उसका एक कार्ड जरूर बनाए जिससे कि वो जो है यहाँ पर कुछ खाने वाने का जो सामग्री वगैरह है वो खरीद सकता है। सो गाइज आपको अब अगर हमारे वीडियो समझ में नहीं आए या कुछ और समझना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, वीडियो हमारी कैसे लगी वो भी ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल JDS लॉ गुरु जी, सत्यमेव जयते।